सफलता के लिए हार्दिक बधाई है। धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि आपको संवाद के विषय में जानकारी कहाँ से मिली, मैं जानना चाहती हूँ कि कुमार अजय सर, इनकी शिक्षण शैली में आपने क्या विशेष अनुभव किया? इसके कुमार अजय सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने हिंदी साहित्य को पढ़ा है। और संवाद आईएएस बिल्कुल व्यावसायिक संस्थान नहीं है, यहाँ बच्चों पर काम किया जाता है। कुमार अजय सर की सबसे बड़ी विशेषता है सर का व्यक्तिगत मार्गदर्शन। सर जो है प्रत्येक बच्चों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शित करते हैं और मुझे इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। और जहाँ तक विषय के समझ की बात है तो सर ने प्रत्येक बच्चों को विषय की बेहतर समझ बनाई है प्रत्येक बच्चों में। UPSC के छात्रों को अगर देखा जाए, और UPSC नहीं अगर आप किसी स्टेट PCS की बात भी करें, तो बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे छात्रों में देखा जाता है कि उनको GS को लेकर काफ़ी सारी धारणाएं होती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके लिए क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं? सबसे पहला तो GS के लिए रणनीति आपको जो बनानी है वो आपको एक समग्र रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसा कि सिविल सेवा में GS 1, 2, 3, 4 प्रश्न हैं और आपको उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होती है। दिक्कत होती है क्या हम बच्चों में कि सबसे पहले हम सिलेबस को छोड़ के उसके बाहर की चीज़ों का ज़्यादा अध्ययन करते हैं और हमें लगता है कि हमने ज़्यादा पढ़ाई की है, और वास्तविकता यह होती है कि हमने सिलेबस की पढ़ाई बिल्कुल नहीं की होती है। सामान्य अध्ययन के विषय प्रश्न पत्र को देखा जाए तो निबंध का एक व्यक्तिगत भूमिका है, मैं जानना चाहती हूँ उस निबंध की तैयारी किस तरह से की जाए? आपने बिल्कुल सही कहा कि सामान्य अध्ययन में निबंध की एक बड़ी भूमिका है, और सफलता के लिए खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए निबंध का एक बड़ा रोल रहता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने पूछा कि निबंध की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक आप चूज करें या फिर प्रीवियस पेपर से चूज कर ले कोई भी टॉपिक और उसको लिखें। और लिखने के बाद अगर कोई टीचर अवेलेबल हो, जैसे कि संवाद आए इसमें सर हमेशा उपस्थित रहते हैं, तो वहाँ उनको चेक करवाएँ, तो उसके असेसमेंट के बाद आपको पता चलता है कि निबंध में कहाँ कमी है और कहाँ आपने अच्छा किया है। जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि हमारी कमी क्या है और हमारे में सकारात्मकता क्या है, तब तक आपका निबंध या फिर अन्य कोई भी पेपर वो अच्छा नहीं हो पाएगा।